अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर ऑटो से। आज हम आपको बताएंगे कि सुजुकी आल्टो की ट्यूनिंग कैसे करते हैं और हर 15,000 किलोमीटर के बाद हर ईएफआई गाड़ी की ट्यूनिंग करानी चाहिए, उसके स्पार्क प्लग, थ्रॉटल बॉडी और उसका एयर सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर, ये साफ़ करना चाहिए। यह साफ़ करने के बाद गाड़ी को कंप्यूटर पर स्कैन करना चाहिए ताकि वो ऑटो स्कैन हो जाए और अपने आरपीएम उसके और सेंसर की वैल्यू उसकी प्रॉपर हो जाए। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ट्यूनिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लग इसके खुल गए हैं, बाहर निकाले हैं, थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल उसकी लटी हुई है और ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ये बाहर निकालेंगे और हम सबको पास करेंगे। ऑक्सीजन सेंसर पावर प्लग थ्रॉटल बॉडी सब क्लीन करेंगे, बिल्कुल इनको साफ करना बहुत क्लीन है। गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है, ट्यूनिंग कराने से गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी देती है, फ्यूल प्रदर्शन अच्छी देती है और हम लोग ट्यूनिंग करवाते ही हैं। इसको साफ़ ट्यूनिंग के बगैर साफ नहीं करना। ये माशाल्लाह थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई, बिल्कुल नई हो गई है, स्पार्क प्लग बिल्कुल नए हो गए, क्लीन हो गए और बिल्कुल साफ हो गया। सेंसर एयर फिल्टर इसका रिप्लेस करना पड़ेगा, ये चेंज करेंगे, इसको नया लगाएंगे। ये क्लीनर साफ हो रहा है बिल्कुल, ये सेंसर साफ करके लगा दिया, ये सेंसर लगा इसका साफ करके लगा दिया जी, देखो माशाल्लाह क्लीन हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह फिटिंग हो गई, स्पार्क प्लग एक बार लग गए, ऑटोमेटिक फिट हो गई, ये माशाल्लाह मुकम्मल काम हो गया इसका। अब ये फिटिंग करने के बाद मुकम्मल स्टार्ट करेंगे इसको और चेक कर लेंगे, ऑटो स्कैन करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ट्यूनिंग के बाद सब चीज़ें खुल के फिट हो के और माशाल्लाह फिट हो गई, अब इसको स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर को स्कैन करेंगे। माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आर पी एम इसका इस टाइम 1300 अब नीचे आ जाएगा, अब इसको हम स्कैन करें। माशाल्लाह गाड़ी स्मूथ है, अब स्कैन करते हैं इसको। इसको ऑटो स्कैन करेंगे, स्कैन में जाके इंजन पे इसको स्कैन कर लेंगे जी। इंजन अब इंजन स्कैन हो रहा है, अब रियर फॉल्ट चेक कर लेंगे, नो फॉल्ट को प्रेजेंट, माशाल्लाह फिट हो गया इसकी, हर चीज़ ठीक है, ऑटो पे हो गया है। आरपीएम देखें इसका माशाल्लाह अपनी जगह पे है 900 पर, आरपीएम इसका 850 इस तरह होना चाहिए ताकि ये जितना आरपीएम इसका स्मूथ होगा उतनी अच्छी एवरेज देगी। अभी इसका डेटा चेक कर लेते हैं, ऑल डेटा देखिए माशाल्लाह आरपीएम इसका
थोड़ा नज़दीक करो ज़रा, इसको जूम करो। माशाल्लाह आरपीएम इसका 890-93 पे है और इग्निशन एडवांस माशाल्लाह इसका बेहतरीन जा रहा है और इसका सब वैल्यू अच्छी इसकी आ रही है। अब इसका नेक्स्ट पे चेक करते हैं टेम्परेचर, तो कूलेंट टेम्परेचर 73 पे है, ये इंशाल्लाह 95 पे जाके इसका फैन ऑन हो जाएगा। माशाल्लाह सब कुछ ठीक है जी। तो ये आज आल्टो 660 जी जापानी 2014 मॉडल का ट्यूनिंग मुकम्मल हो गई है। बैग जाएंगे और स्कैनर को ऑफ कर लेंगे। ऑफ हो गया माशाल्लाह, गाड़ी ठीक है, जबरदस्त होगी माशाल्लाह, ट्यूनिंग इसकी अच्छी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अपनी नमाज 5 टाइम पढ़ें और दुरूद शरीफ का वर्द करें। अल्लाह आपको आपकी आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।